जब भी आप अपार्टमेंट लेने जाते हैं तो आप कार्पेट एरिया, बिल्डअप एरिया, सुपर बिल्डअप एरिया सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये सब है क्या। तो आइए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। हम शुरू करते हैं कार्पेट एरिया से। इट इज द एक्चुअल यूजेबल एरिया ऑफ द अपार्टमेंट। इन द वॉल्स जिसको कार्पेट से कवर किया जा सकता है उसको कार्पेट एरिया कहते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखिए कि कार्पेट एरिया में विद ऑफ द इंटरनल वॉल्स, एक्सटर्नल वॉल्स, फ्लावर बेड्स और बालकनी कुछ भी इंक्लूडेड नहीं रहता। अब बिल्डअप एरिया समझते हैं। जब कार्पेट एरिया में ही विड्स ऑफ द वॉल, फ्लावर बेड्स, बालकनीज एड कर देंगे तो बिल्डअप एरिया बन जाता है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि स्टेयर्स या लॉबी का एरिया इंक्लूडेड नहीं होता। आइए अब सुपर बिल्डअप एरिया समझते हैं। आपको इसके नाम से पता ही चल गया होगा, सुपर बिल्डअप है तो एरिया सबसे बड़ा होगा ही। जब बिल्डअप एरिया में एमिनिटीज इंक्लूड करते हैं जैसे कि स्टेयर्स, लॉबी, स्विमिंग पूल, तो वो सुपर बिल्डअप एरिया बन जाता है। है ना आसान इन सबको समझना। आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो ही गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कार्पेट एरिया और रेरा कार्पेट का डिफरेंस समझेंगे। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो गाइस। ऐसे ही रियल एस्टेट कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए होम्स फाई को।